ये राजनाथ सिंह लद्दाख के खित्ते से बता रहे थे और लद्दाख के खित्ते से सरहद के उस पार की तरफ भी नज़रें लगाए हुए थे। लेकिन सरहद के उस पार क्या कुछ सूरत हाल है शायद आपको कुछ मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो तो 2022 का साल पाकिस्तान में तलातुम का साल रहा है और इसी तलातुम के बीच में वहाँ की इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है और महंगाई के साथ साथ सरकार भी पाकिस्तान की अक्सरियत बता रही है कि इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान में अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेड है तो एक तो अमेरिकन एड है और उसके बाद वहाँ पे एड्स भी आया और अब सरकार भी पाकिस्तान की आवाम कहती है कि अब पहुँच चुकी है। और इमरान खान की सरकार को जिस तरह इस साल टॉपल किया गया उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम जो कुछ दिखा रही है बता रही है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है। लेकिन कल जो कुछ भी पाकिस्तान की तारीख में हुआ वो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ है। लड़ाई इमरान खान और शरीफों की है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की लड़ाई इमरान खान की और उसके सामने जरदारी है। लेकिन कल फौज बतौर फरीक भी, पाकिस्तान की फौज बतौर फरीक भी मैदान में उतरी। कल पाकिस्तानी फौज के डीजी ISPR और ISI के सरबरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक उस वक्त हुई जब हिंदुस्तान की तरफ से वजीर दिफा ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने का अहद किया और यकीन दिलाया कि जल्द इसको मिलाया जाएगा। दुनिया की सभी अखबारात से लेकर दूसरे हालात में यही समझा जाता है कि अगर इस तरह का कोई नज़दीक की मुल्क का बयान दे या अगर कोई पाकिस्तान का इस तरह का बयान आता तो हिंदुस्तान की अफवाज, हिंदुस्तान की सभी सियासी जमातें एकजुट होकर इस बयान के पस मंज़र को देखती। लेकिन ये बयान जब आया तो पाकिस्तान के फौजी जो हुकाम हैं वो इमरान खान की सियासत पर बहस कर रहे थे, उस पर बयान दे रहे थे, इस पर कोई रद्दअमल नहीं था। यही मुद्दा और इसी मुद्दे पे हम कोशिश करेंगे लाहौर जाने की, क्योंकि आज लिबर्टी लाहौर से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की शुरुआत की है। अजीम भट्ट पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अजीम भट्ट से पाकिस्तान में मिले, उनसे रابطہ कायम कर पाएँ और उसके बाद हम जानना चाहेंगे ये पाकिस्तान की फ़ौज क्या इमरान खान के खिलाफ खड़ी है या मुल्क की सालमियत के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमारे बड़ों ने कहा है कि पड़ोसी स्ट्रांग हो तो अच्छा है, पड़ोसी खुशहाल हो तो हमारे लिए भी अच्छा है। और यही इसी पड़ोसी की बात करते हुए हम पाकिस्तान के अंदरूनी सुरख्याल भी देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि वहाँ अक्सरियत जो पाकिस्तान की है वो बताती है इम्पोर्टेड सरकार है। तो ये अक्सरियत जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्या वाकई में आवाम भी बता रही है? और अब तक जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, परसों शाह अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक जाना माना सहाफ़ी और कीनिया में उसका कत्ल हुआ, उस पर भी पाकिस्तान के लीडरान को कोई शर्म नहीं आई। और उसके बाद कल ही पाकिस्तान में एक और सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, इससे पहले इमरान खान नामी एक सहाफ़ी को भी गिरफ़्तार किया गया। और फिर पाकिस्तान के वजीर दाखला सुनावला के बारे में अगर गूगल सर्च करें तो मालूम होता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इस क्रिमिनल रिकॉर्ड में जब पाकिस्तान का वजीर दाखला क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हो, उस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम हो, तो उसके बाद उस पाकिस्तान का क्या हाल होगा? तो आने वाले वक्त में क्या कुछ पाकिस्तान में हो सकता है? मेरे साथ अजीम भट्ट जुड़ चुके हैं पाकिस्तान के लाहौर से। अजीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपका। मेरा नाम सनम एजाज है, मेरे साथ लाइव नशरियात में आप इस वक्त हमारे टेलीविजन पर हैं। हम जानना चाहेंगे, मैंने पहले भी इंट्रो जब इसका दिया आपका तो मैंने एक चीज़ जो समझी है पाकिस्तान के बारे में, कल जब वजीर दिफा हिंदुस्तान के जो राजनाथ सिंह है वो कश्मीर से श्रीनगर से बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसको छोड़ा लाएंगे, उस बयान के रद्द अमल के बजाय पाकिस्तान का DGISPR और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के चीफ दोनों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें इमरान खान के खिलाफ वो खड़ा होते हैं। मैं समझना चाहूँगा, मेरे जम्मू कश्मीर के लोग समझना चाहेंगे, मेरे हिंदुस्तान के लोग समझना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क के लिए है या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, क्या वो नवाज शरीफ या शरीफ बरादरान की है या वो मुल्क की फ़ौज है जो कल इस तरह से निकल के आई है, ये हमारे समझना चाहेंगे हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर दूसरे हिस्सों में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दावत के। देखिए हालात इस तरह से पैदा कर दिए थे कि उसके लिए ये तमाम सूरत हाल जो है वो बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो ISI थे उनका अपना एक असूल है कि वो कभी मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कल आना पड़ा, अपना ही असूल तो आना पड़ा। देखिए मुल्क के अंदर जब आपको अमन चाहिए होता है तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों को बता
खर्च करना पड़ता है। इस वक्त आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है।